ईश्वरी, आपको रोकना चाहेंगे। विधायक अशोक लाहोटी ये अभी यहाँ आए हैं, इनके चेहरे पे भी जो है देख सकते हैं कितना दुख है, क्योंकि जब मदनलाल सैनी बड़ी भूमिका के रूप में आए थे तो ये भी एक कह सकते हैं कि टीम के बिल्कुल सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। अशोक जी, काफ़ी लगाव के साथ, काफ़ी कह सकते हैं कि जुड़ के आपने काम किया है, लेकिन आज मदन जी आपके बीच में नहीं है। देखिए मदन जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने तब से ही उनका प्रत्येक कार्यकर्ता के जिस प्रकार का जीवन संबंध रहा, और मैं ये कह सकता हूँ कि केवल भाजपा परिवार ही नहीं, पूरे राजस्थान की आम आवाम और उनको जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज इस दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक मजदूर नेता के रूप में अपना जीवन शुरू किया, मजदूरों के लिए संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, किसानों के लिए संघर्ष किया, और केवल संघर्ष ही नहीं, संघर्ष भी इतनी निष्ठा के साथ करने का जो उनका स्वभाव था कि किसी काम को हाथ में लेने के बाद उस काम की पूरी चिंता करके उसको परिणति तक पहुंचाना। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं कि शायद पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिले कि सांसद बनने से पहले तो था ही था, सांसद बनने के बाद में भी सीकर जिले से, यहाँ से जो लगभग 150 किलोमीटर है, सीकर जिले से नियमित रूप से बस में बैठकर जयपुर आना, जयपुर पार्टी कार्यालय में पीछे के कमरे में बैठकर पूरे दिन अपना काम निपटाना, और शाम को 5 बजे वापस यहाँ से किसी कार्यकर्ता को कहना कि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के, स्कूटर बैठ के बस स्टैंड तक जाना, और वहाँ से पुनः राजस्थान रोडवेज की बस में बैठकर नियमित सीकर जाना। इस तरह का आज के युग में संघर्ष करके प्रत्येक कार्यकर्ता के काम करने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए इस तरह का कृतित्व है, इस तरह का व्यक्तित्व है, इस तरह की सरलता, इस तरह की सौम्यता, इस तरह के स्वभाव बहुत ही देखने को कम मिलता है। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में भी यदि उनके कमरे में कोई व्यक्ति चला गया तो जहाँ तक संभव हो उसको चाय या कॉफ़ी पिलाकर उसकी बात सुनकर और उसको भेजना, इस तरह का एक जीवन संबंध किसी कार्यकर्ताओं के साथ रखना आज के युग में मैं नहीं समझता कि बहुत ही कोई दूसरा नेता हमको देखने को मिलेगा। आज पूरे भाजपा परिवार ही नहीं, पूरा राजस्थान इस चीज़ को लेकर एक दुखी मन से अपने नेता को जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और निःशब्द है पूरा राजस्थान। जी, भले ही कह सकते हैं कि उम्र में वो काफ़ी बड़े हो, लेकिन काम करने का जो तरीका था वो आपकी तरह जोशीला था। देखिए उनका जोश इस बात से भी आप देख सकते हो कि यदि सदस्यता के एक अभियान में मैंने उनको, एक सदस्यता अभियान के, मेरी सांगानेर विधानसभा के वो निवासी थे तो उन्हीं के उस मंडल में उनसे सदस्यता का अभियान, स्वच्छता के अभियान, कई अभियानों में हम उनको लेकर गए, तो जिस तत्परता से वो काम को करते थे और हम लोगों से तेज पैदल चलते थे, हम लोगों से ज़्यादा उत्साह से हर घर में यदि हम पीछे रहते तो खुद ही घंटी बजा देते थे। पूरा जब हमने अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान की जब वो सफाई का कार्यक्रम हाथ में लिया तो झाड़ू लेकर, जब बाकी लोग झाड़ू लगा रहे थे तो वो खस्सी हाथ में लेकर उन्होंने झाड़ियाँ काटने का काम शुरू किया, और उन्होंने कहा केवल झाड़ू मत लगाओ, ये झाड़ियाँ भी यहाँ से काटो, इसमें ज़्यादा मेहनत होगी, और ये झाड़ू तो कोई भी लगा देगा लेकिन ये झाड़ियाँ काटने का काम हर कोई नहीं करेगा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो तो ये झाड़ियाँ काटने का काम हम लोग करें, और लगातार 2 घंटे तक उन्होंने झाड़ियाँ काटने का काम कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस तरह का उनका व्यक्तित्व है कि कोई छोटे से छोटा काम, छोटी से छोटी बैठक, पार्टी का काम हो, चाहे मंडल की बैठक हो या वार्ड की बैठक हो, कोई छोटे से छोटा प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम हो, यदि उनको सूचना है तो निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करते थे, और किसी कारणवश पार्टी नेतृत्व का इतना बड़ा काम प्रदेश में उनके पास था कि यदि वो नहीं पहुंच पाते या जयपुर से बाहर रहते तो संबंधित विधायक को, संबंधित मंडल अध्यक्ष को या वहाँ के पार्षद को, सबको फोन करते थे कि आप उस कार्यक्रम में जरूर जाना और मेरी तरफ से ये माफ़ी उनसे मांग। एक और चीज़ जो अशोक जी हमने देखी कि भले ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो यहाँ काम करते थे लेकिन प्रोटोकॉल को ज़्यादा नहीं देखते थे, कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, कहीं भी आना जाना हो, कहीं कह सकते हैं संकोच नहीं होता था। देखिए कभी प्रोटोकॉल उन्होंने रखा भी नहीं, और हमेशा अपने तरीके से जीवन को जीते थे, कभी उन्होंने कभी इस तरह से भी आगे कोई प्रोटोकॉल हो, कोई उतर कर पहले जाए और जाए, नहीं, जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलते थे, जब पार्टी कार्यालय ने उनको गाड़ी उपलब्ध करा दी तो गाड़ी में चलने लग गए, उससे पहले खुद बस में आया जाया करते थे, और जो कहा मैं एक दिन का किस्सा, एक दिन मैंने जब यहाँ कार्यालय में आया तो उनका गला काफ़ी भारी था, मैंने पूछा क्या हुआ वैसा, आज तबीयत सुस्त लग रही है, तो उन्होंने कहा कि कल गाड़ी में एक किसी ने कार्यकर्ता बैठे थे और उन कार्यकर्ता को गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो उसने एसी चला दिया, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैंने कहा जब 50 डिग्री टेम्परेचर में आपने गाड़ी में एसी नहीं चलाते, कि नहीं मैं गाड़ी में कभी एसी नहीं चलाता, मैं कभी एसी में नहीं सोता, मैं घर पे पंखा चलाकर सोता हूँ और गाड़ी में बिना एसी के चलता हूँ, और जब धूप नहीं हो तो मैं शीशा खोल देता हूँ,
लेकिन एसी नहीं चलाता, तो एसी चलाने से मेरा गला खराब हो गया, तो मैंने कहा कुछ दवाई ले लो कि नहीं मैं घर जाकर काढ़ा लूंगा। इस तरह से अपनी स्टाइल से अपने तरीके से ही वो अपने जीवन को जीते, जैसे अंदाज में रहते थे, किसान के तरह खेतों में काम करते थे। जब पार्टी का काम पूरा हो जाता था तब खेतों में जाते थे, किसान भाइयों से बात करते थे और एक देसी अंदाज उनका रहता था। शेखावाटी से चूंकि जुड़े थे इसलिए खेत खलिहानों से दूर नहीं रहते।